नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अभी से तपने लगा रेगिस्तान, प्रदेश के 15 जिलों में पारा 40 डिग्री पार। कोटा में 3 साल की मासूम से पड़ोसी ने की दरिंदगी। छठी से आठवीं तक के बच्चों की परीक्षा पर संशय, डोटासरा ने कहा जल्द करेंगे फैसला। और अब खबर विस्तार से। प्रदेश में 15 जिलों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है, तो वहीं फलौदी में 43 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा भी लांग चुका है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में आंधी के साथ अब हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 24 शहरी क्षेत्रों के तापमान की जानकारी दी है, जिनमें 15 में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचा। सर्वाधिक पारा फलौदी में है, जहां पिछले 24 घंटे में 43 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा, तो वहीं फलौदी न्यूनतम तापमान में भी पीछे नहीं है, यानी रात में भी यहां पारा 26 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। वहीं राजधानी जयपुर में अधिकतम पारा अब 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, तो न्यूनतम पारा भी 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। कोटा में 3 साल की बच्ची के साथ उसके पड़ोसी ने ज्यादती की। वारदात के समय बच्ची के माता पिता मजदूरी करने गए थे, तभी आरोपी बच्ची को अपने साथ ले गया। जिले में एक बार फिर 3 साल की मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया है, जिसमें मासूम के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने ज्यादती की। परिजनों को मासूम लहूलुहान और बदहवास अवस्था में मिली। इस मामले में आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार बच्ची के माता पिता एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में मजदूरी का कार्य करते हैं और घटना के दिन बच्ची के माता पिता मजदूरी करने गए थे, तभी उनके साथ कार्य करने वाला आरोपी पास की टपरी में बच्ची को ले गया और उसके साथ ज्यादती की। परिजनों को जब मौके पर खेलते हुए बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने उसकी तलाशी शुरू की, जिसके बाद मासूम आरोपी के टपरी में लहूलुहान अवस्था में मिली, जिस पर आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़कर थाना पुलिस के हवाले किया। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ती हुई संख्या एक बार फिर आमजन के साथ ही सरकार को भी चिंतित कर रही है। अब शहरी इलाकों में कक्षा 6 से 9 तक के बच्चों के लिए स्कूल एक बार फिर बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में परीक्षाओं पर संशय हो गया है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने 2 दिन पहले ही शहरी इलाकों में कक्षा 6 से 9 तक के स्कूल एक बार फिर बंद कर दिए हैं। ऐसे में इसी महीने होने वाली वार्षिक परीक्षा को लेकर संशय अभी भी बना हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि 1 से 5 की तर्ज पर 6 से 8 तक के बच्चों को बिना परीक्षा प्रमोट किया जा सकता है। हालांकि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि इस मामले में वे जल्द ही निर्णय लेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कोरोना के खतरे को देखते हुए कक्षा 6 से 9 तक के लिए स्कूल का बंद करने का फैसला लिया गया, लेकिन वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम भी घोषित किया जा चुका है। ऐसे में दोनों बातें विरोधाभास हैं, इसे जल्द ही क्लियर किया जाएगा। खबर श्रीकोलाया से, जहां गजनेर थाने में सोलर प्लांट कंपनी वाले का आरोप है कि करोड़ों रुपए देने के बावजूद भी आवश्यकता का सामान प्लांट में नहीं लगाया गया, जिससे करोड़ों का नुकसान हो गया। इस मामले में अब उन्होंने पुलिस में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। कंपनी श्रीकोलायत के गजनेर थाने में अंकित और प्रमोद पटेल निवासी अहमदाबाद पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी कंपनी मयूर डाइकेम इंटरमीडिएट LLP ने गजनेर क्षेत्र के गाँव शरभियानीमाणी कुदिमसर में 3.4 हेक्टेयर यानी 30,400 स्क्वायर फीट पर सोलर प्लांट की स्थापना, संचालन और देखभाल की सेवाएं और प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए रेंज पावर एक्सपर्ट पावर लिमिटेड के जरिए निधि गुप्ता और राहुल गुप्ता निदेशक को संविदा पर दी। इसके अनुसार 25 वर्ष तक इस कंपनी को संचालन, देखभाल और सुरक्षा के शर्तों के अनुसार प्लांट पर प्रतिवर्ष 33 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन करना था। कंपनी ने सर्च रेंज पावर एक्सपर्ट लिमिटेड को सोलर प्लांट लगाने के लिए 12 करोड़ 20 लाख का भुगतान भी कर दिया था। संविदा की शर्तों के अनुसार लगाए गए सोलर प्लांट में वांछित क्षेत्र से बहुत कम बिजली का उत्पादन हुआ। मौके पर देखने से मालूम करने पर जानकारी में आया कि करोड़ों रुपए का सामान इस प्लांट में मौजूद ही नहीं था। इस प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए 6,666 सोलर प्लेट की जगह 2,260 मेडल्स ही मौके पर पाई गई, शेष प्लांट में मिली ही नहीं। ऐसे में कंपनी के कब्जे और मिल्कियत के सोलर प्लांट में से सामान मौके नहीं होने के कारण लगभग 10 करोड़ का नुकसान हुआ। इस पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। राजधानी जयपुर के एयरपोर्ट पर मंगलवार को सोना तस्करी का एक और मामला पकड़ा गया। एक मजदूर जूसर की मोटर के नीचे मेटल के अंदर सोना छिपा कर लाया। पकड़े गए सोने का वजन 461 ग्राम और कीमत 21.36 लाख रुपए है। विभाग ने सोने को जब्त करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया।
यह सोना अगर बाजार में बिकता तो उसे 1,56,740 रुपए का फायदा होता। जयपुर एयरपोर्ट पर मंगलवार तड़के पहुंचने के बाद जब लगेज की जांच होने लगी तो स्कैनिंग मशीन में युवक के ट्रोली बैग में मशीन डिटेक्ट हुई। इस पर कस्टम विभाग के कर्मचारियों को शक हुआ तो उन्होंने ट्रोली बैग से मिक्सर मशीन निकाली और उसे खुलवाया। मोटर के नीचे गोल एक काले रंग का मेटल दिखा। मेटल को बिजली से चलने वाले कटर से जब कटवाया तो उसमें सोना निकला। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।